अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रैकी चैनल खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों आज हमारे पास एक रिसीवर आया है रिपेयरिंग के लिए, ये देख लें GX6605। ठीक है दोस्तों, तो ये 4.1 में है। तो इसका मसला क्या है कि ये रेड लाइट पे है, आपके सामने मैं चेक भी करवा दूं। ये देख लें दोस्तों, ये मज़ीद आपके सामने शो हो रहा है, ये रेड लाइट पे है। तो इसका मसला क्या है मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा। मैंने तो ऑलरेडी चेक कर ली है, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाता चलूँ। ये देख लें, यहाँ पे 5 वोल्ट जो हैं ये पूरे हैं। अगर इसका इशू होता तो तब भी ये रेड लाइट पे होता। तो इसके अलावा जो है मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि चाहे बच्चा भी बैठ जाएगा ना ये वीडियो देखने के लिए, तो वो भी कहेगा कि अंकल ने मुझे सब कुछ समझा दिया और मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख ले, मैंने ऑलरेडी पिक्चर इसकी बना ली है, वो आपको बाद में शो कराता चलूँगा। सबसे पहले जो है मैं इसके ट्रांसिस्टर चेक करवा देता हूँ। ये देख लें 1.7। ठीक है दोस्तों, ये पहला ट्रांसिस्टर है। इसके अलावा ये रहा दूसरा, यहाँ पे देख लें 3.3, ये भी कंप्लीट हैं। और इसके बाद रहा ये रेगुलेटर आईसी, यहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें, ये जो है रेगुलेटर आईसी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी पूरी कंप्लीट पावर जो है ये ओके है। पर मसला क्या है दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ। ये ऊपर देख लें, मैं मज़ीद जो है पिक्चर के ज़रिए आपको शो करवा रहा हूँ। ये देख लें कि ये आईसी के साथ एक ट्रांसिस्टर है, ये S909 वाला है। ये ट्रांसिस्टर देख लें, आपको पिक्चर के ज़रिए भी मैं शो करा रहा हूँ। तो मसला इसी का ही है। सबसे पहले जो है ये ऊपर देखते जाएं, मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूँ कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। ये देख लें 3.19। ठीक है दोस्तों, ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी हमें तकरीबन 3.15-16 या इसके साथ का ही जो होगा वो पावर शो कराएगा। ये देख लें, ऊपर वाले पॉइंट पे मैं लगा के चेक करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल 0-0 है। ये देख लें मज़ीद गौर से दोस्तों, ये वाली जगह जो है यहाँ पे बिल्कुल 0-0 है। तो इसके बाद ये नीचे वाला जो है ये ग्राउंड में होता है, ये देख लें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बस मसला यही है दोस्तों कि ये पहले पॉइंट पे हमें 3.19 मिल रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर भी हमें इसके साथ सेम टू सेम चाहिए, तो वो पॉइंट हमको नहीं मिल रहा, जिस वजह से ये जो है बिल्कुल ऑन नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मज़ीद जो है मैं आपको तसल्ली भी करवा देता हूँ कि इसको कैसे ऑन करना है। ये हम जब रेगुलेटर सॉरी ट्रांसिस्टर जब चेंज करेंगे S09 वाला, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये देख लें, अभी भी ये रेड लाइट पे है, आपके सामने रहा। तो मज़ीद जो है मैं इसको चिमटी की मदद से जो है ऑन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। ये देख लें दोस्तों, मैं आज इसको ऑन करने लगा हूँ और ये मैंने चिमटी जैसे ही लगाई, ये देख लें ये ऑन हो चुका है, ये बूट मोड पे आके रुक चुका है। अगर मैं यहाँ पे चिमटी लगाई रखता तो ये फुल ऑन हो जाता। दोस्तों बस यही मसला था कि इसका जो है 09S वाला ट्रांसिस्टर डेड हो चुका है, तो वो जैसे ही हम चेंज करेंगे बिल्कुल ये कंप्लीट ओके हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर तसल्ली करवा देता हूँ। ये देख लें, मैं इसको पावर ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा ऑन करूँगा, ये नहीं होगा। ये देख लें दोस्तों, अभी ऑन कर रहा हूँ, ये रेड लाइट पे है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।